यामा की MT15 को बोलो बाय बाय और पल्सर N250 को बोलो हाय हाय। और आज पल्सर N250 के बारे में मैं सारे जितने भी आप लोगों के मिथ है ना वो क्लियर करूंगा और इस गाड़ी के लेने के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव और अदर गाड़ियों से भी मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि ये गाड़ी कितनी सुपीरियर है अदर गाड़ियों से। बजाज का रिस्पॉन्स सारी की सारी बातें करेंगे आज इस वीडियो में। और सबसे पहले छोटे से सिनेमैटिक है वो आप इस गाड़ी के लेके चेक कर लो जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि गाड़ी दिखने में कितनी सुपीरियर है। तो ये भैया अपनी पल्सर की N250 लुक्स आप लोगों ने देख लिए होंगे सिनेमैटिक के थ्रू। और बात करें अगर वीडियो के स्टार्ट करने में इसके एडवांटेज की, तो सबसे पहले जो कहीं ना कहीं एडवांटेज आता है बजाज की हर गाड़ियों का जो ये लेके बैठी हुई है बजाज अपने हाथ में, वो है भाई बजट फ्रेंडली। 1,80,000 रुपये की आपको 250 cc की गाड़ी मिल रही है। और हैव अ लुक, एक बार आप लुक चेक करो। जो लोग MT15 के लवर है ना उन लोगों को थोड़ा सा धसका लगने वाला है कि भाई MT15 जैसे लुक्स और उससे भी दो गुना पावर और इतने सस्ते में कैसे मिल रही है ये गाड़ी और इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो भाई बजट फ्रेंडली तो भाई डेफिनेटली है। 1,80,000 रुपये में आपको 250 cc का इंजन मिल रहा है जो भाई मुझे नहीं लगता कि और कोई ब्रांड देता होगा। BHP अगर पावर की बात करो तो 24.7 के अप्रॉक्स इसकी BHP और 21.5 के अप्रॉक्स इसका NM है। तो ठीक है, इस हिसाब से प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत बढ़िया पावर जो है ये डिलीवर करती है। दूसरे पॉइंट पे अगर मैं आऊँ तो वो है भाई इस गाड़ी के अंदर माइलेज। सबको पता है 250 cc की गाड़ी है, 250 cc की गाड़ियाँ और 200 cc की गाड़ियाँ वो माइलेज थोड़ा सा कम देती हैं, पर इस गाड़ी से अगर आप सोचोगे ना कि मैं 40 की माइलेज निकालूं तो आप डेफिनेटली इस गाड़ी से 40 की माइलेज भी निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप जॉब से आते हो जाते हो तो आराम से अगर आप 70 पे क्रूज़ करते हो ना तो आराम से ये गाड़ी आपको 40 की माइलेज दे देगी। तो माइलेज के मामले में भी आप निश्चिंत हो जाओ, बजट के मामले में भी आप निश्चिंत हो जाओ। तीसरी चीज़ जो लोग देख रहे हैं ना, एक फैमिलियर बाइक कि हाँ यार मेरी फैमिली को भी पसंद आए, मैं अगर रोड पे निकलूँ तो लोग उसको भी देखें, एक आई कैची और एक स्पोर्टी लुक हो विद फैमिली ओपिनियन के साथ साथ मैच करे वो, तो आप इस गाड़ी की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। पीछे की तरफ देखोगे लुक्स बहुत अच्छे हैं, साथ ही साथ फैमिली को भी कोई इशू होने वाला नहीं है, ना आपको चलाने में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। छोटी सी कॉम्पैक्ट सी ये गाड़ी, अगर आप ट्रैफिक में चलाओ सिटी में चलाओ, लाइक सिटी का मैं क्यों कह रहा हूँ, ये देखो एक तो इसके अंदर डबल स्टैंड आता है और साथ ही साथ 165 mm की इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस आती है। तो छोटे मोटे ब्रेकरों पर या फैमिली के साथ भी चलते हैं ना तो कहीं भी लगने वाली नहीं है। हैंडलिंग इसकी इतनी प्यारी है, एक बार मैं आप लोगों को ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखो बहुत छोटी सी हैंडलिंग है, बहुत कॉम्पैक्ट में आपके कांटेक्ट में रहती है गाड़ी, आपकी रेंज से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती है। जैसा आप इसको डिमांड करोगे, जैसे इसको कमांड करोगे वैसी ये गाड़ी चलेगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात होने नहीं वाली है, इसलिए ये मेरे को अच्छी लगती है। और फैमिली भी बहुत खुश रहती है भाई, अगर आप फैमिली को एक ऑप्शन दिखाओगे ना कि भाई मेरे को ये वाली गाड़ी लेनी है तो फैमिली भी डेफिनेटली खुश होगी इस गाड़ी को देख के। और पॉइंट इस गाड़ी का कंफर्ट लेवल, कंफर्ट लेवल मैं क्यों कह रहा हूँ, एक अगर आपकी डेली रूटीन ज़्यादा है ना, आप गाड़ी ज़्यादा चलाते हो 100-150 किलोमीटर डेली चलाते हो, कम्यूटिंग करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लोगों को कंफर्ट चाहिए होता है। कंफर्ट एज यू कैन सी सीट कंफर्ट तो है ही है अच्छा, बैठने का जो पोस्चर है वो भी बहुत नॉर्मल है, तो आपके हाथ में रिस्क में बैक पेन शोल्डर पेन कहीं भी नहीं होने वाला। पिलियन के साथ भी राइड करते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से मस्ती में आप आराम से 100-200 किलोमीटर रोज़ डेली चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगने वाली। और एडवांटेज में अगर एक चीज़ आई है पल्सर की तो इसके एग्जॉस्ट नोट कैसे पीछे रह सकता है, डुअल बैरल एग्जॉस्ट है, एक बार आवाज़ सुन लो इसकी, इसका साउंड जो है बहुत थम्पी सा बहुत बेसी सा साउंड है। आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है कि इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा जो है कुछ एग्जॉस्ट वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसके अंदर एग्जॉस्ट अलग से लगवाएगा। पांचवी चीज़ पूरी गाड़ी के अंदर जो बजाज से शिकायत रहती थी ना भाई NS में RS में कि भाई इसके अंदर LED लाइट्स दो, तो ये देख लो भाई इसके अंदर LED लाइट्स भी आती है विद DRLs आते हैं जो हल्के हल्के स्मोगी से हैं, साथ ही साथ जो इंडिकेटर हैं ये भी पूरे LED हैं, बैक लाइट जो है वो भी LED है, और साथ ही साथ जो इसके पीछे वाले रियर इंडिकेटर हैं ये भी LED है। मतलब पूरी गाड़ी के अंदर आपको जो है वो LED सेटअप मिलने वाला है। ये देखो चार्जिंग पोर्ट भी मिलने वाला है, मीटर सेमी डिजिटल मिलेगा, गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिलता है अभी न्यूट्रल में इसलिए लिखा हुआ है, मोड में आए किलोमीटर 66 trip 1 trip 2 सारी चीज़ें, मतलब गाड़ी ज़्यादा भी नहीं चली हुई है, DT डिस्टेंस टू MT भी दिखाता है इसके अंदर, 140 किलोमीटर चलने के भी तादाद में है। माइलेज वगैरह RPM वगैरह सब इधर दिखा, माइलेज इधर दिखाता है RPM इधर की तरफ दिखाता है। तो काम की जितनी भी सारी नीडफुल चीज़ें रहती है वो आपको इस गाड़ी के अंदर सारी मिलती हैं, फीचर का भी कोई लैग नहीं मिलता। साथ ही साथ इसके अंदर 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, तो ये दिक्कत भी नहीं रहेगी आपको कि बार बार रुक के तेल डलाने की जरूरत पड़े, तो ऐसी नौबत आपकी कभी नहीं आने वाली। तो ये सारी चीज़ें हैं भैया। और एक चीज़ मैं बता दूँ भाई,
इस गाड़ी के अंदर पर्टिकुलर मैं कभी राइड रिव्यू अगर मैंने पहले डाला होगा तो देख लेना, वरना मैं राइड रिव्यू भी डालूंगा। तो इतना प्यारा भाई, मतलब बहुत स्मूथ इंजन है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई जो है वो बजाज की गाड़ी चला रहे हो। ना कोई वाइब्रेशन इसके अंदर, ना कोई हीटिंग इशू, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मस्ती में चलाओ। एक थम्पी साउंड के साथ आप लोगों को एकदम तगड़ा फील आने वाला है। सारी तो रही इसकी एडवांटेज की बात, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गाड़ी में सिर्फ एडवांटेज एडवांटेज हो, उसके प्रॉस हो और कॉन्स ना हो? कैसे नहीं हो सकते भाई, कॉन्स कॉन्स भी इस गाड़ी के अंदर है, पर कॉन्स बहुत लोगों को इफेक्ट नहीं करेंगे और साथ ही साथ कॉन्स बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है। आप सोचो कि इसके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है कुछ लोगों को इफेक्ट कर सकते हैं, थोड़े बहुत लोगों को, जैसे जिन लोगों को एकदम भगाने का ही शौक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है जो 120-130 से भी ज़्यादा जाना चाहते हैं, 140 से भी ज़्यादा भगाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक दिक्कत आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है, वो है भाई इस गाड़ी के अंदर 5 स्पीड का गियर बॉक्स, एक नीचे बीच में न्यूट्रल, 5 गियर ऊपर, और बाकी इसके सेगमेंट में अदर सभी गाड़ियों में जितने भी हैं उसमें 6 गियर आते हैं, तो 6 गियर की जो कमी है वो हमेशा आपको फील होगी। कहीं ना कहीं अगर आप हाईवेज पे चल रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको एक ऐसा फील हो सकता है कि हाँ यार इसके अंदर 6ठा गियर होता तो थोड़ा सा सोने पे सुहागा हो जाता, वो चीज़ भी एक देखने वाली है। तो 6ठे गियर की कमी आपको थोड़ी सी मिलने वाली है, और हर किसी को नहीं मिलने वाली, जो नॉर्मल लोग चलने वाले उनके लिए बहुत सही है कि 135-140 आराम से ये चली जाती है 5 गियर के होने के अंदर। साथ ही साथ मेरे को ऐसा लगता है कि कंपनी को इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि देखो कंपनी ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है इसके अंदर भाई, NS वाले ही USD सस्पेंशन दे देती टेलीस्कोपिक ना देके, क्योंकि टेलीस्कोपिक में ना आप क्या है ना, नॉर्मल इसके सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियाँ रहने, MT15 हो गई या RN5 हो गई या और भी NS हो गई, चलो NS160 हो गई, या जो और भी गाड़ियाँ हैं यार, वो दे देती हैं USD, ये अभी भी टेलीस्कोपिक, तो थोड़ा सा निराश करने वाली बात है कि चलो कोई नहीं, 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेके आप USD कर देते तो अच्छा रहता, पर कोई नहीं, टेलीस्कोपिक का कोई वाली बात नहीं है, कुछ लोगों को इसका भी इफेक्ट कर सकता है। पर एक जो हाईलाइटेड पॉइंट है जो मुझे लगता है बजाज की ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में डोमिनार को छोड़ के, वो है भाई इन गाड़ी के टायर्स। पहले आप इन गाड़ी के टायर्स देख लो, पीछे वाला टायर मैं दिखा देता हूँ, देखो आपको लग रहा होगा टायर तो बहुत अच्छा है, पर ये भाई टायर इस गाड़ी का नहीं है, इस गाड़ी को लाए हुए सिर्फ 24 घंटे हुए हैं, उसके बावजूद 24 घंटे के अंदर अंदर इस गाड़ी को मॉड कर दिया गया है। इसके जो 130 सेक्शन का टायर आता था ना, वो यूरो ग्रिप का, उसको निकाल के फेंक मारा, यहाँ पे 140/70 R17 का टायर लगवा लिया, वो भी अपोलो का। कहाँ गया भाई अपोलो, ये रहा अपोलो। जो इसके नॉर्मल स्टॉक टायर का फीडबैक है ना, बहुत ही निहायत ही गंदा फीडबैक है उसका। आगे वाला जो आता था 100 सेक्शन का, ये हालांकि 100 ही है, पर इसको भी हमने चेंज करवा दिया, पीछे वाला चेंज करवाया तो हमने कहा आगे वाले को क्यों ही छोड़े, तो पूरा पेयर चेंज हुआ। इसकी कॉस्ट आई तकरीबन 7,000 रुपये टायरों की, और साथ ही साथ इसका जो पीछे वाला मडगार्ड है वो भी निकाल के थोड़ा सा एक स्पोर्टी लुक दे दिया। ये देखो कितनी ज़्यादा बल्कि लग रही है। यहाँ पे इन्होंने भाई जो है, जिस गाड़ी के ऑनर हैं अपने जय भाई, उन्होंने क्या करा, पीछे वाला जो थोड़ा सा खाली खाली इन्हें फील हो रहा था कि यार मैंने मडगार्ड निकलवा दिया, तो उन्होंने ये हाफ वाले जो आते हैं ना व्हील कवर, ये लगवा लिया। और मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ कितना अच्छा लुक्स आ रहा है इसको लेके। तो जो MT15 को लेके लोग मॉड कराते हैं ना, तो भाई मेरी तो रिकमेंडेशन यही है कि आप इस गाड़ी को लो और इस गाड़ी को मॉड कराओ, आपको पावर भी अच्छी मिलेगी, कंफर्ट भी अच्छा मिलेगा। और सर्विस कॉस्ट की अगर बात करूँ ना, तो सिर्फ और सिर्फ भाई 800-900 रुपये की इसकी सर्विस हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भाई देख के लेना। एक चीज़ है, सर्विस कॉस्ट आपकी थोड़ी सी कम बढ़ेगी 700-800 रुपये अदर गाड़ियों के मुकाबले, क्योंकि बजट फ्रेंडली बाइक बनाता है बजाज। पर एक थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, वो है भाई सर्विस सेंटर, क्योंकि सर्विस सेंटर में ना लोग नकारते बहुत है, उसका फीडबैक इतना अच्छी नहीं बजाज का, तो वहाँ थोड़ी सी मेरे को निराशा लगती है कि यार जब सारी चीज़ें अच्छी हैं तो उनका थोड़ा सा बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। वो अगर कोई अच्छी सी प्रॉब्लम लेके जाओगे ना तो वो नकारते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो ऑल सेट हैं इस गाड़ी के अंदर। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी भाई कि आज के टाइम पे, क्योंकि MT15 बहुत सारी हो गई रोड पे यार, लोग इतना ज़्यादा, मतलब कहना नहीं चाहिए पर यार छपरी बना तो करने लग गए हैं आज के टाइम पे, बेमतलब में उल्टी सीधी चीज़ें लगवा के नाम ख़राब कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा अगर अलग दिखना चाहते हो सेम लुक्स में, पावर में, तो आप इसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। तो यही कुछ वीडियो थी आज की, राइड रिव्यू शायद मैंने पहले डाल दिया या मैं आने वाले टाइम पे डाल दूंगा कि 2024 में कैसी इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है इसकी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।